अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों भाइयों को जी। आओ जी विकास भाई, क्या हाल है? ठीक है आप? अस्सलाम वालेकुम आप साहब, आ जाओ। शेख अतर साहब, विकास भाई, वर्ल्ड फेमस उस्ताद हाफिज़ नईम साहब हमारा नाम देने आए हैं। कुर्सियाँ नहीं आई थलो? बिस्मिल्लाह। चिट्टा बटन नप के ना इन बाद बंद कर रही ना बाद जो सारे जो हमारे लकी खिला रही है हमारे साथ मौजूद है जी उस्ताद इरफान भाई और छत का नाम है जी उस्ताद इमरान गुजर कायद आजम इंटरचेंज। तीसरी पोजीशन हासिल की इरफान भाई, क्या कहना चाहेंगे? एक तो पहले बस ये सब दोस्तों की दुआएं और ये हमारे सब दोस्तों की मेहनत है, इनकी तरफ करें, ये हमारे बड़े खास बंदे हैं, छत की सारी संभाल इनके पास है। अफ्तार नन्ना साहब के पास अभी भी इन्होंने कबूतर उड़ाए, कबूतर ऊपर है जो सुबह के उड़े हुए दो दिन आए हुए थे, आगे वापस गए हैं 5-6 बजे तक। कबूतरों शबूतरों की हर चीज़ के हवाले से तो बादशाह होती जाएगी हमारी, जो ये कप है जी जी उस हवाले से क्या करना चाहिए? आप तो बड़ा मजेदार करवाया, आप साहब ने कमाल कर दिया, पूरे लोगों का ट्रेंड ही चेंज कर दिया। आप साहब का एक कप उड़ा है, आप देखे 36-7 उड़ रहे हैं, बिल्कुल 36 बंदे सार कैश एंट्री वाले दे रहे हैं। आज भी हमें इनाम वसूल हुए हैं, मैंने भी इनाम वसूल किए हैं, लेकिन हम गए नहीं, हमने जैस कैश पे वो इनाम सारे वसूल किए हैं। सही, और ये माशाल्लाह से कप इंतजामिया के जो जितने भी मेंबर हैं जी उसमें जो कप करवा रहे हैं खुद चल के आपके पास आके, ये तो उनकी नवाजिश है जी, ये हमारे पास आए हैं, हमारे लिए ये बादशाह फ़खर है जी जी। ये उस्ताद शेख अतर साहब माशाल्लाह, मेरा पहले भी इनके साथ तल्लुक है काफ़ी अच्छा, बिल्कुल बड़े अच्छे नफीस इंसान है। आप साहब के पास भी काफ़ी दफ़ा गए हैं ख्वाजा अहसन के साथ जी, आप साहब के पास भी गए हैं। हाँ जी, तो बस ये बड़ा अच्छा इन्होंने काम किया, अब लोगों का ट्रेंड काफ़ी हद तक चेंज हो रहा है और हो भी गया, काफ़ी लोगों ने इसको चेंज किया है, जो आप देख रहे हैं ना असी यारां दे यार, बिल्कुल बिल्कुल, और भी काफ़ी सारे कप हैं जो कैश एंट्री और कैश इनाम दे रहे हैं। ये बड़ा अच्छा फैसला यार, पहले साल साल हम अभी तक कई लोगों से पैदा है किसी ने। अच्छा, तो आपको तो नहीं कोई मुखालफत वगैरह मसलन या कोई वजन वगैरह या कोई दबाव? नहीं, हम पे कोई बंडल नहीं है ना, ये हमारी कोई मुखालफत, हमारी किसे मुखालफत है? नहीं नहीं, कि आपने कब हिस्सा नहीं लेना या कोई चीज़, हम तो सारे कपों में उड़े, हमें तो किसी ने नहीं अभी तक मना किया। उन्होंने अभी पहले दिन एंट्री करवाई है ना, उन्होंने बोला कि हमारी छः की छः एंट्रियाँ इकट्ठी हैं हमारी। हाँ जी, हाँ जी, वो छः की छः का अपने हिस्सा नहीं था, छः की छः की पूरी उड़ेंगे जी, उड़ेंगे 4 बार और उड़ेंगे। आप साहब वो लाख वाला भी करवा रहे हैं इंशाल्लाह, उसमें भी हिस्सा लेंगे, लाख वाले में भी आगे अल्लाह के घर में पूरी उम्मीद है, उसमें भी हिस्सा लेंगे, नाम भी अगले दिन दिया इंशाल्लाह। मिलके ये छतों वाली शो करवा रहे हैं कि उनकी मेहरबानी है, देखे अभी हम उनकी छत पे हैं, उन्होंने बोला लाख वाली एंट्री भी है ना वो हमारे निकली, इसी तरह मुझे तकरीबन 20-25 एंट्री इसी तरह हो गई लाख वाली। उनका हम इंशाल्लाह एक आधे दिन तक पर्चा जो है ना वो शाया कर देंगे, ठीक है। मुझे पूरी उम्मीद है कि बड़ा अच्छा कप जाएगा हमारा लाख वाला भी, अल्लाह ताला की रहमत से इस तरह के भाई हों जो हमारा साथ दें, और इंशाल्लाह जो आवाज़ दी है लाख वाले कप की, 4 त्वार उड़ने के बाद 5वें दिन जिसकी एवरेज सबसे ज़्यादा होगी उसको लाख वाला इनाम मिलेगा, और उसके साथ उसको एक मोटरसाइकिल फ्री दी जाएगी मेरी तरफ से। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह जी माशाल्लाह। ये इमरान भाई के पास आए हम तो इनकी चाहत पे हमने ये ऐलान किया कि 7 मोटरसाइकिल इनाम अलहदा दी जाएगी हमारा जो है ना, ये पकड़ेगा जी। देखिए जी, हम तो ये हमारे बड़े प्यारे से, ये हमारा जो प्यारा सा चेहरा है ना, हम सारा कुछ बस इनके पीछे ही है सारा कुछ। सही, ये देखिए माशाल्लाह से आप हिसाब से पता चला शेख साहब के नाम से कप उड़ रहा है, बिल्कुल भरपूर तरीके से काम, चौधरी शान गुजर साहब भी आ गए हैं जी, ये शान भाई भी आ गए, इमरान गुजर के भाई शान भाई। शान भाई क्या हाल है आपके? ठीक है शान भाई, आपका टाइम थोड़ा सा चाहूँगा कि देखे जी माशाल्लाह से पहली जो पहला कप होल आया तीसरी इतवार का, चेतर की तीसरी इतवार, ठीक है, और उसके बाद चेतर का चौथा इतवार, चेतर की तीसरी इतवार के अगले दिन ही अपना अगले दिन मौला अली की शहादत का दिन था, इसलिए वो डिले हो गया,
उससे अगले दिन जाके इनामात खिलाड़ियों के हाथ में थे। अब ये चौथी इतवार, ठीक है, कल अपना देखने में कि मसल के कौन सी छतें एंटर हैं कौन सी नहीं, इस वजह से डिले हो गया क्योंकि मैं ही देख रहा था उस चीज़ को और वसीम भाई, तो इसलिए एक दिन फिर डिले हो गया। तो अगले दिन ही समझ लें कि इनामात आपके हाथ में देने आ गए हैं। नहीं भाई, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? जी जी, कप के सिलसिले में ये इनाम जो अच्छा है, सारी दुनिया ने पता है, निकल के बाहर भी पता है, अच्छा प्रोग्राम होना, पैसे तो मिलते पे बिल्कुल अपना करा पर नाम नगद कर लो, इन्होंने जिम्मे कहा पहले एंट्री दो पहले नाम लो, गल दूसरे खिलाड़ी भी इंज कर अच्छी गल तो है ही मीडिया डेढ़ के लाख रुपया खर्च करना ਐ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਹੀ ਦੇਖਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਆਫਸ ਆਪ ਆਪਣੀ ਜੇਬੋਂ ਇੱਕ ਅਮਾਉਂਟ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਛੋਟੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਛੋਟੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਯਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕੋ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਦਾਤ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਦੀ ਦਿੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿੰਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਤਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਕਰਨ ਦੇ, ਆਵਾਮ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣ। ਹਾਂ ਸਭ ਲੱਖ ਵਾਲਾ ਕਪੜ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਇਨਾਮ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮਿਲੇਗਾ ਔਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ 70 ਗਿਫਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਤੇ ਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਫਿਸ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਐਂਟਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ। ਠੀਕ ਇਹ ਇਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਏਗਾ ਇੱਕ 70 ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹੋ ਦਾ ਇੱਕਦਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇ, 4 ਤੋਰਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਕੇ ਸਾਥ ਜੋ ਫਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪੇ ਆਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਇਨਾਮ ਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਨਾਮ ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਦਾ ਔਰ ਇੱਕ 70 ਅੱਲਾ ਦਾ 70 ਅੱਲਾ ਦਾ ਦੀ ਜਾਏਗੀ ਜੀ। ਯਾਰ नहीं भाई, मैं तो ये आपकी मोहब्बत के लिए मैं मेरे पास करता हूं, मैं क्या करने का, मैं किसी को दे रहा हूं। ठीक है, ये मोहब्बत से जो है ना इन लोगों को ना इसका ट्रेंड का पता चलना चाहिए, शो का पता करने का चलना चाहिए कि देखे ना ये भाई अभी भी इनके कबूतर ऊपर है, ये सारा दिन मेहनत की हुई है, इनका हाथों कोई खा जाए तो क्यों खाए वजह, हम इनके साथ हैं, इनको इनाम अगले दिन मिलेगा, ये पोजिशन होल्डर में जब भी आएंगे इनाम इनको अगले दिन मिलेगा, उसको मेरी तरफ से एक मोटरसाइकिल बाइक भी दी जाएगी। दोस्तों हाफिज साहब ये कोशिश कर रहे हैं कि इसका ट्रेंड सेट बेहतर हो, ये टूर्नामेंट लगाए जा रहे हैं, पिछले कई सालों से इसका सेटअप अच्छा नहीं हो रहा, लोगों को इनामी रकम एक साल के बाद तकसीमी इनामात होना, डेढ़ साल तक इनाम ना मिलना, फिर उन लोगों में भी खराबी होगी और जो लोग एंट्रियाँ करते हैं ना, अगर आप जान बूझ के जोर से तल्लक की बुनियाद पर एंट्रियाँ करेंगे तो आपको पैसे नहीं मिल पाएंगे, पैसे नहीं मिल पाएंगे। हाफिज साहब ने ये नकद नाम और कैश एंट्री इसलिए रखा ताकि ये कबूतर परवीन में बेहतरी आए। इस तरह तो बड़े लोग डिसहार्ड हो जाते हैं, मैं भी उड़ाता हूँ, मुझे भी पता है मैं इस फील्ड में ही हूँ, तो कबूतर परवीन डिसहार्ड हो जाते हैं, बाज़ दफ़ा तो लोग भूले होते हैं इनाम लेना, इनाम लेना, अगर वो कोई लेने चला भी जाए तो उसको खाली कप दे दिया जाता है और वादा 15-10 करते जा रहे हैं। साहब इससे पहले भी दो फ्री एंट्री कापी उड़ा चुके हैं, बिल्कुल ऐसा ही है, उससे में भी उसमें भी बाइक थी, बाइक देते रहे हैं, तो इंशाल्लाह ये जो चार इतवारों का कप उड़ेगा उसमें भी आफत साहब ने ऐलान किया है कि वो अपने पास एक 70 मोटरसाइकिल देंगे जो विन होगा उसका, और इतवार को तकसीम इनाम जब कप खत्म होगा तो पीर वाले दिन उसका इनाम भी दे दिया जाए इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। चले जी मेहरबानी,
जी माशाल्लाह से जो कहा वो कर दिखाया। वर्ल्ड चैंपियन हाफिज़ नईम ने एक बार फिर तीसरा इनाम खिलाड़ी के हाथ में, और शेख अतर साहब के नाम का कप और शेख साहब इनाम देते हुए, माशाल्लाह जी बहुत ज़रा ही खूबसूरत लम्हात। ब्रदर आ जाए यार, यार हो गया भाई, की हो गया पीछे भी देख के सी नाम रखया जरा इनाम आ गया ओ तनु मिलना बिल्कुल सारी 10000 रुपए ना नाम ये इनकी मेहनत इस छात्र पुरस्कार पे भी बनया है साडा भरा आवे जी मोहब्बत रही जी माशाल्लाह से ये देखें जी नाम है इनकी कबूतर परवरिश में खिदमत है जी बिल्कुल इनकी खिदमत की इकराफ में इनको दिया जा रहा है जी। अच्छा नन्हे भाई की कहना चाहोगे, कभी अगे तो यह कभी काम होया नहीं, आज तुसी की कहना चाहोगे? भाई अल्लाह दी मेहरबानी नाल सब तो पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हां जी बहुत अच्छा काम करंदा है ने जी, बहुत सच चंगी तरह बोल रहा, बहुत खिदमत करंदा है नवाब दी, वाह इना दी खिदमत करे ना, बहुत अच्छा तावन करे जी जी, तावन करके अच्छी कबूतरबाजी करंदा है ने, अच्छा काम करके ते वहांदा है जी जी, ते जेड़े लोग एवें बाजन हो के इधर उधर भजे फिरंदे ने, भजे ना फिरना सही तावन करन है सही, ते मैं तुहाडी शक्ल तो तुहाडी अपना मुस्कुराहट तो पता लग रहा है कि तुहाडी खुशी का ठिकाना कोई नहीं है, क्योंकि यह जरा एकदम है माशाल्लाह। मैं सराहना चाहूँगा नईम भाई आपको एक बार फिर अपने दिल से कि जो आप एकदम कर रहे हैं माशाल्लाह पाक अल्लाह पाक जी, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, चैंपियन बनेगा जी वो हमारा भाई होगा जी, किसी के साथ कोई मुखालफत नहीं है, ठीक हो गया, और कोई भी हमारे साथ भी मुखालफत ना रखे। ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये कबूतर परवरी के इकदाम को और शो को आगे बढ़ाने के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत है, और मैं अपने तमाम कबूतर परवर भाइयों को ये कहता हूँ कि जो इस इकदाम कबूतर परवरी को बेहतरी के लिए जो इकदाम करे बड़ा मेहरबानी उसका साथ दे। बिल्कुल 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 इसी तरह ये शौक आगे परवाना चढ़े। हाँ मैं आप सब भाइयों से एक दफ़ा चाहूँगा कि जी भरपूर तालियां इन दो शख्स के लिए कि जिन्होंने यार एकदम अच्छा एकदम उठाया हुआ है लाहौर को। मैं तो आपको जी सलूट करता हूँ आप दोनों को, अल्लाह पाक आपको खुश रखे आबाद रखे, और आप खिलाड़ियों को भी जो इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेते हैं इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह बहुत ले जी अपना इरफान भाई आपकी ये मान, और मैं आपको एक छोटा सा ये जो साहिब इमरान गुजर में रूम, हाँ मैं रूम जो अब इस दुनिया में नहीं रहे तो ये मुझे मौका नहीं मिला कभी उनकी छत पे आने का, आज फर्स्ट टाइम आया हूँ, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी इंशाल्लाह इनके साथ प्रोग्राम बना के इनकी छत पे आपको शो कराऊंगा भी, और माशाल्लाह से बहुत अच्छा लगा आके यहाँ पे, और मैं आखिर में इजाज़त चाहूँगा और दुआ करूँगा जी शो की बेहतरी के लिए तमाम जितने भी हैं कबूतर परवर हज़रात जो उनसे हैं वो मिलजुल कर एक दूसरे का साथ दें और एक दूसरे को कामयाबी की तरफ लेके जाएँ, और दुआओं में याद रखिएगा इंशाल्लाह अपना जो सेकंड प्राइज़ है वो हाफिज़ साहब बताएंगे जी कब देने जाना है, तो फिर इंशाल्लाह फिर प्लानिंग करके उनकी तरफ चलेंगे। दुआओं में याद रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ जी।